किसी भी तरह की फूड बिजनेस यानी खाने पीने की चीज़ें शामिल हो, आपको फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चाहे आप फेरी करते हो, ठेला लगाते हो, या आपका फिश शॉप है, मटन शॉप है, चिकन शॉप है, या आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, या आपको कोई फूड का बिजनेस है, ये करने के लिए आपको फसाई से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि फसाई से ऑनलाइन लाइसेंस लेने के लिए आपको कहीं जाने की या किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना यह है कि आपको ये पूरा प्रोसेस जो आपको ऑनलाइन है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप इस पर रजिस्ट्रेशन करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। सरकार ने 1 नवंबर 2020 से एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जहां से जाने के बाद बहुत ही आसान तरीके से आप फसाई पे अपना रजिस्ट्रेशन करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। सोगाज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीके से फसाई के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। आपको कहीं जाने की, किसी के पास भागदौड़ करने की, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है ये लाइसेंस लेने के लिए, बल्कि आप घर बैठे ऑनलाइन करके रजिस्ट्रेशन करके आप लाइसेंस ले सकते हैं। अब कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप उसको पेमेंट करेंगे, ये सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूं, जिस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पर आके ओपन हो सकते हैं, या अपने ब्राउजर में टाइपिंग कर दीजिएगा fosco.fasai.gov.in, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहां सिंपली आप देख रहे हैं क्लिक हियर टू फॉर फसाई, इसको आपको ओके करना है। जैसे ओके कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से इसका पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आपके सामने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कुछ इस तरीके से ये पेज आपके सामने आके ओपन हो जाएगा, और इसको पहले से काफ़ी बेटर बनाया गया है। अब सभी लाइसेंस यहीं से बनेंगे और यहीं से उनका रिन्यूअल होगा। तो पहले हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर पर ओके करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जहां पर देख सकते हैं कि किस टाइप के बिजनेस पर आपको कितनी फ़ी लगेगी। तो वो यहां से आप देख सकते हैं कि इसका फ़ी पर एनुअल इतना है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं यहां पे हैं, और कैटेगरी यहां पर आप देख सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं पेटी फूड बिजनेस ऑपरेटर, यहाँ देख सकते हैं कि पेटी रिटेलर, फेरे वाले, यहाँ इंटीरियर वेंडर, टेम्पोररी स्टील थेलर, स्वीट शॉप, जूस स्टील, कुछ इस तरीके से ये इसमें बिजनेस वाले आ जाते हैं। इसे यहाँ पर देख सकते हैं कि गोलगप्पे स्टील, फ्रूट एंड वेजिटेबल स्नैक्स स्टील, टी स्टील, समोसा, ब्रेक, पकोड़ा, रिटेल शॉप, टेम्पोररी फूड स्टॉल, चाइनीज फूड स्टॉल, साउथ इंडियन फूड स्टॉल, कुछ इस तरीके से आ जाते हैं। तो इस सब के लिए आपके अगर 12 टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए इसकी फीस 100 रुपये आपको देनी होगी। नीचे यहाँ पे डेयरी लाइसेंस के टाइप में यहाँ बताया गया है कि अगर आप दूध का काम करते हैं, अगर आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा दूध सेल करते हैं तो आपको सेंट्रल लाइसेंस मिलेगा और आपको 7,500 रुपये आपको इसमें फ़ी लगेगा एनुअल। लेकिन अगर आप 10,000 से 50,000 के बीच में अगर आप दूध सेल करते हैं तो स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको यहाँ पे 5,000 रुपये का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप 500 से 10,000 के लिए मिल्क सेल करते हैं पर डे तो आपको स्टेट लाइसेंस मिलेगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी फीस रहेगी 3,000 रुपये। लेकिन अगर आप एक दिन में 500 लीटर ही दूध सेल करते हैं तब आपको 100 रुपये की फीस रहेगी। इसी तरीके से आपको स्लैटिंग हाउस जैसे मीट शॉप, चिकन शॉप, मटन शॉप, लंबा मीट ईटीसी, अगर आपके पास शॉप है तो इसका डिटेल आप यहां देख सकते हैं कि उसका डिटेल यहां पे आपको मिल जाएगी।
जैसे यहाँ पे अगर आप 50 से बेसी आपको बड़े जानवर है तो आपको सेंटर लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 700 रुपये 7,500 रुपये आपको फी देनी होगी। अगर आपके पास 3 से 50 बड़े जानवर है तो आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा और फीस रहेगी 2,000 रुपये। इसके साथ ही अगर आपके पास 2 बड़े जानवर है और 10 छोटे जानवर है तो आपको सिर्फ 100 रुपये फीस देनी होगी। इसी तरीके से अगर स्टोरेज का बिजनेस करते हैं तो इसका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा और यहाँ पर कितने फीस है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी तरीके से आप नीचे स्क्रॉल करते जाएगा तो आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ पर डिटेल आपको मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि होलसेल वालों को कितनी फीस देनी होगी, डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी फीस देनी होगी, इसके बाद यहाँ पर सप्लायर जो करता है उसको कितनी फीस देनी होगी, इसके बाद रिटेलर वाले को कितनी फीस देनी होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, मार्केटर का आप कितना है उसके बाद कितना फीस देना होगा उसको यहाँ पर मिल जाता है, होटल वाले को जो भी है कितना फीस देना होगा तो वो आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाता है, रेस्टोरेंट एंड बार वाले को कितना फीस देना होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो आपको इस पीडीएफ में सभी टाइप के बिजनेस में लगने वाली फीस आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसको डाउनलोड करके आप इसमें जो भी बिजनेस रन करना चाहते हैं या रन किए हुए हैं तो उसकी फीस आप उस पीडीएफ में देख सकते हैं। नए लाइसेंस के लिए यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसमें आपको ये साइन अप फॉर्म फिलअप करना होगा। तो आपको यहाँ पे आप अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी आपको क्या रखनी है, पासवर्ड, पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, या कैप्चा है एज इट इज कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो स्पेशल करेक्टर है और आपका जो पासवर्ड रहना होगा वो आप देख रहे हैं कि 6 मिनिमम 6 और मैक्सिमम 21 लीटर से ज़्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप लॉगिन आईडी देख रहे हैं कि मिनिमम 5 करेक्टर का होना चाहिए। इसके बाद सभी डिटेल डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देना है। आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी दिया होगा, ओटीपी डाल के यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। तो जैसे कोड डाल के ओके करेंगे तो देख रहे हैं कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और आपका अकाउंट जो सक्सेसफुली इसमें रजिस्टर हो चुका है। इसके बाद सिंपली आपका अकाउंट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ साइन इन कर देना है। तो यहाँ पे अपना यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद ये कैप्चा जैसे चीज़ डालने के बाद यहाँ साइन इन पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये आपका डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे जो देख रहे हैं, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रिन्यूअल का है, मॉडिफिकेशन, करंट और ट्रांसफ़र का है, फूड कस्टमर ग्रीवेंस का है, एनुअल रिटर्न इंस्पेक्शन, क्यूरी रिटर्न इंस्पेक्शन और यहाँ पे व्यू एसएमएस, ईमेल हिस्ट्री। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने जो नए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, रिन्यूअल करा सकते हैं, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है जो यहाँ से आप करवा सकते हैं। अगर आपका लाइसेंस सरेंडर कराना या ट्रांसफ़र कराना तो वो भी आप यहाँ से देख रहे हैं ऑप्शन है, यहाँ से करा सकते हैं। अब जैसे कि हमें नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ देख रहे हैं कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, सिंपली हमको इस पर ओके करना है। यहाँ देख रहे हैं कि अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, तो सिंपली हमको इस पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट से है तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। चलिए मैं अपने स्टेट यहाँ से चूज कर लेता हूँ। चूज करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाता है। तो आपके सामने सभी बिजनेस कैटेगरी आ जाती है। तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आप किस बेस बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चर, रिटेलर, फूड सर्विस, एयरपोर्ट या सेफ्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, मिड डे मील या ई कॉमर्स या हेड ऑफिस एक्सेट्रा। जैसे कि आप रिटेलर है तो सिंपली रिटेल वाले पे क्लिक करेंगे, इसके सामने आपको कुछ इस तरीके से ये इसका डैशबोर्ड आ जाता है। तो आप किस तरीके से रिटेलर है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ रिटेलर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ चुका है। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 12 लाख रुपए तक है तब तो आपको ये वाले ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर 20 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर 20 करोड़ से ऊपर वाला बिजनेस है तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। तो ये कैटेगरी आपको सभी बिजनेस जो है उसमें आपको मिल जाती है।
जैसे कि मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं 12 लाख रुपए तक के टर्नओवर है, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ प्रोसीड कर देना है। तो आपके सामने आ जाता है कि आपके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा या लाइसेंस लेना होगा। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे लिखा आ गया है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन डिटेल, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम ऑफ एप्लीकेंट और कंपनी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस का भी नाम डाल सकते हैं, जो भी अपना बिजनेस का नाम रखना चाहते हैं या रखे हुए हैं तो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ डाल दिया राजा फूड सेंटर। इसके बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन में डाल देना इंडिविजुअल है, पार्टनर के साथ है, तो चलिए मैं यहाँ इंडिविजुअल चूज कर लेता हूँ। तो आपको नीचे यहाँ पर किड्स ऑफ बिजनेस, तो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस डाल देना है जहाँ पर आपका ये फूड बिजनेस है। तो यहाँ पर आप अपने शॉप का या जहाँ पर आपका बिजनेस चल रहा है या चलेगा वो एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका एड्रेस और आपके बिजनेस का एड्रेस सेम है, सिंपली यहाँ पे यस वाले पे ओके करेंगे और यहाँ पे आपका पूरा फिलअप हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ ऊपर फिलअप नहीं किया हूँ तो ये रेड आ गया है। जैसे मैं यहाँ फिलअप करूँगा तो ये, जैसे मैं यस वाले पे ओके करता हूँ, ओके करूँगा तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी, जिसके लिए अपना यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर फैक्स है तो वो डालें, टेलीफोन नंबर तो डाल देंगे, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे अपना डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल देना है जिस किससे कॉन्टैक्ट किया जाता है। जैसे आपका मोबाइल नंबर पर अगर कॉल नहीं लग रहा है तो उस स्थिति में जिसका भी कॉन्टैक्ट पर्सन का यहाँ पर नंबर दिए रहेगा उससे वो संपर्क कर लेगा, तो वो आपको यहाँ पे नाम डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है कि लाइसेंस आपको कितने सालों के लिए चाहिए, वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 5 ईयर तक का चूज कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 1 ईयर चूज कर लेता हूँ। तो जितने टाइम के लिए आप लाइसेंस लेंगे उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होता है। तो अब यहाँ पे आपको फूड कैटेगरी चूज कर लेना है कि आप कौन कौन से फूड को आप सेल करते हैं। अगर यहाँ पे आप बेकरी प्रोडक्ट यूज करते हैं तो बेकरी पर क्लिक करेंगे एंड सेव एंड एड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो और भी बिजनेस है सिंपली आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे यहाँ पे फैट्स एंड ऑल है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके मैं यहाँ पे फैट्स एंड एड्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ये एड एंड सेव एंड एड पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने टाइप के बिजनेस है उसको आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ सेव एंड एड पे क्लिक करिएगा और इसमें आपको ऐड होता जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फूड सेफ्टी मेटा डिटेल है, यानी FSM नंबर है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि अदर डिटेल आपको यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे अपना बिजनेस कभी स्टार्ट किए थे वो आपका डेट डाल देना है। वाटर सप्लाई का स्थिति क्या है, पब्लिक है, प्राइवेट है, अदर है या नहीं है, तो वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। फूड आइटम को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्या आप बिजली सप्लाई लेते हैं, अगर लेते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर नो कर चूज रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे ओके करेंगे। आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है, मतलब अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ोटो यहाँ मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पे चूज फाइल पे जाके यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ, आपको एक आईडी प्रूफ आपको देना है जिसमें वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आर्मी लाइसेंस, पासबुक, डिपार्टमेंट, आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो इस तरीके से आपको इसमें जो भी देना है प्रूफ में वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। चलिए मैं इसमें से आधार कार्ड चूज कर लेता हूँ। इसके बाद जहाँ भी आधार कार्ड है वो आपको आधार कार्ड यहाँ से चूज कर लेना है। ध्यान देने वाली बात है कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 MB का साइज होना चाहिए और ये जो है टाइप होना चाहिए PDF, JPEG, JPG, PNG फाइल में आपका ये फाइल होना चाहिए। तो ये तो ही ये यहाँ पे ये फाइल को अपलोड कर पाएगा, नहीं तो ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप करेंगे चूज फाइल। इसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे इसको। तो यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप व्यू करके देख भी सकते हैं या इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम आईडी प्रूफ में आधार कार्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सिंपली करेंगे चूज फाइल। इसके बाद सिंपली यहाँ पर हम इसको अपलोड कर देंगे तो ये ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। यहाँ से व्यू करके इसको हम देख भी सकते हैं। अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सिंपली आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं प्रूफ ऑफ परमिशन, हेल्थ NOC, एनी अदर डॉक्यूमेंट और NOC म्यूनसिपल पंचायत का, अगर कोई इसमें आपको अपलोड करना है तो आप इसको अपलोड चूज फाइल पर जाके इसको अपलोड भी कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है या नहीं। आप यहाँ पर जाके व्यू पे क्लिक करेंगे, आप चूज करेंगे यहाँ पे आप लाइसेंस ले रहे हैं या रजिस्ट्रेशन। तो हमारे केस में यहाँ रजिस्ट्रेशन है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ फोटो है, यहाँ पे फोटो है, एक आईडी कार्ड है और यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ है।
मतलब कि यहाँ पे हमें कोई एक NOC देने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम अपलोड नहीं करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे शो होता है तो आप यहाँ पे NOC भी अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे 100 रुपये के। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन पेमेंट थ्रॉट एंड रोजेप पे, या आप देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन है चलान। तो आप इस दोनों माध्यम के से आप इसको पे कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे ऑलरेडी है, या आपका रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो अपना रेफरेंस नंबर इसको आप कॉपी भी करके रख सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए। तो आप इसको बहुत ही आसानी से इसको सेव करके भी रख सकते हैं। तो आप जिस बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी फीस आ जाए जाएगी। तो हमारे केस में 100 रुपये। तो चलिए मैं यहाँ ऑनलाइन वाला मेथड जो चूज करते हैं, यहाँ पे पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पेज ओपन होकर आ जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग और UPI, जिसमें आप देख रहे हैं भीम, तेज एंड अदर UPI ऐप से भी आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड से पे करना है तो यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर डालेंगे, कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे और सिंपली यहाँ पे नाउ पे ओके करेंगे। आपके सामने फीस ब्रेकअप आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गेटवे चार्ज है 45 पैसे, तो टोटल आपका हो गया 145 पैसा। तो पे करते ही आपके सामने ये प्रिंट है, जो पे आपका ये जो सक्सेसफुली ये हो जाएगा और आपके सामने एक स्लिप आ जाएगा। उस स्लिप में आपको एक रेफरेंस नंबर रहेगा, जो रेफरेंस नंबर मैं आपको पहले दिखाया था वही आपको रेफरेंस नंबर रहेगा। वो रेफरेंस नंबर को आपको सेव करके रख लीजिएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से इनकम्प्लीट एप्लीकेशन यहाँ देख सकते हैं हुआ या नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं सबमिट एप्लीकेशन का जो हुआ है विथ सक्सेसफुली पेमेंट, वो आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एडवांस्ड एप्लीकेशन जो अथॉरिटी है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये इशू हुआ है या नहीं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको जैसे आपका इशू हुआ है नहीं, इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको इशू वाले पर ओके करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि इशू लाइसेंस, आपको सिंपली आपको क्या करना है, इस पर ओके कर देना है। ओके करते हैं यहाँ पर आपका सीरियल नंबर आ जाएगा, यहाँ पर कंपनी जो आप नाम दिए हैं वो आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर आ जाएगा, एड्रेस आपको यहाँ पर शो करेगा, एप्लीकेशन टाइप कौन सा टाइप है वो आपको यहाँ पर, लाइसेंस कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पे शो करेगा, इशू डेट कब हुआ है वो यहाँ पे शो करेगा, वैलिड फॉर्म कब से कब तक है वैलिड वो आपको यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं और एक्शन जो है आपका एक्टिव रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप इसको नेक्स्ट करके देख सकते हैं। जैसे आप अपना एप्लीकेशन जो फी पेमेंट कीजिएगा तो अब वो आपका यहाँ पर पूरा डिटेल जो आपका रिकॉर्ड है यहाँ पर आपका ये शो होने लगेगा। इसके बाद किसी भी टाइम अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर अपना रेफरेंस नंबर जो मैं बताया था वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ये कैप्चा है, कैप्चा यहाँ पर डाल देना है। इसको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। इसी तरीके से जैसे आपका लाइसेंस जो आपका ओके हो जाता है तो आप यहां से इसको इशू पर देख ओके करके यहां पर देख सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया हूं तो यहां से आपका लाइसेंस ओके हुआ है, इशू हुआ है या नहीं आपका लाइसेंस, तो आपका जो यहां से स्टेटस उसका देख सकते हैं कि इशू हुआ है या नहीं। सो यहां से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जो मैं आपको पहले बताया था। सो ये कम्प्लीट प्रोसेस है किसी भी फूड बिजनेस का लाइसेंस लेने के लिए। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की या आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पे ऑनलाइन पेमेंट करना है और आपका यहीं पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन ओके करना है। तो इस तरीके से आपको यहीं पे आपका पूरा जो पेमेंट है आपको यहीं पे आपका पेमेंट करना है और आपको यहीं पे आपका एप्लीकेशन पूरा फिलअप करना है। आपको कहीं जाने आने की या किसी बिचौलिया के चक्कर में पड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइस अभी तक मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो आप उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं आपके लिए मैं इसी तरीके से नया नया और लेटेस्ट वीडियो लाता रहता हूं हमेशा, और पर डे मेरा वीडियो न्यू आता रहता है। तो मेरा न्यू वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि बेल के बटन प्रेस कीजिएगा तब भी मेरा जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहुँचेगा और आप मेरे न्यू वीडियो देखिएगा और उससे कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से फसाई यानी फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे किस तरीके से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस पे आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।